बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर पार्ट वन वीडियो अपलोड कर दी थी, और इस पार्ट वन के अंदर हमने कितना पढ़ लिया था, इस पार्ट वन के अंदर हमने मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स के फंक्शन को पढ़ लिया था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ये मेन इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट सेल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सेल की जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आ जाते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट के अलावा। तो दूसरे सेल कौन कौन से हैं, इओजिनोफिल, इसके अलावा मास सेल्स, और तीसरा न्यूट्रोफिल। ठीक है, अभी ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट लग रही होगी कि न्यूट्रोफिल क्या है, इसमें तो आते ही नहीं है, लेकिन क्रॉनिक में भी थोड़ा बहुत आ जाएगी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला इओजिनोफिल, इओजिनोफिल स्पेसिफिक कंडीशन में पार्टिकुलर स्टिमुलस में देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली जब इम्यून रिएक्शन IgE मीडिएटेड होता है। ठीक है, IgE मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन, और दूसरा पैरासिटिक हेलमेंथिक रिएक्शन, वॉर्म्स के इन्फेक्शन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसको बोलते हैं इओजिनोफिलिया। अब इनकी रिकरेंटमेंट, इनकी कीमोटैक्सिस, रोलिंग, एडहियन करवाने के लिए वही एडहियन मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं जो न्यूट्रोफिल के लिए रिक्वायर्ड थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर। ठीक हो गया, तो इनकी कीमोटैक्सिस करवाने के लिए हमें सेम एडहियन मॉलिक्यूल, सेम कीमोकाइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक कीमोकाइन है जो इसके लिए होता है वह इओटैक्सिन होता है। ठीक है, इओटैक्सिन होता है, जो इओटैक्सिन होता है वो ल्यूकोसाइट और एपिथेलियल सेल्स के अंदर से प्रोड्यूस होता है। इओजिनोफिल के पास ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर मेजर बेसिक प्रोटीन है, ये वो बेसिक प्रोटीन है जो हाईली कैटायनिक होती है, बेस है तो हाईली कैटायनिक होगा, जो हेलमेंथीस के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इसके अलावा ये हमारे होस्ट के एपिथेलियल सेल को भी डैमेज कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इओजिनोफिलिया होता है, इओजिनोफिल का काउंट ज़्यादा हो जाता है, तो हेलमेंथीस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक टाइप 1 एलर्जी रिएक्शन उसको मीडिएट करता होता है। मास सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर काफ़ी अबंडेंट होते हैं, ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर आ जाते हैं। मास सेल्स के सर्फेस के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं FcR1 रिसेप्टर। इन रिसेप्टर पर IgE एंटीबॉडी का FC पोर्शन अटैच हो जाता है। जिस तरह इओजिनोफिल कंट्रीब्यूट कर रहे थे एलर्जी के अंदर, इसी तरह इओजिनोफिल भी करते हैं, सॉरी मास्ट सेल भी करते हैं। ठीक है, जो IgE एंटीबॉडी होती है वो FC रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लेती है। ठीक है, ओके, जो FC जो IgE एंटीबॉडी जो FC रिसेप्टर के जरिए मास सेल्स के ऊपर बाउंड हुई पड़ी है, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्निशन के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, सेल की डीग्रैनुलेशन होती है, हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाती है। ठीक है, और ये वाला इस रिस्पॉन्स को बोलते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। ये किन कंडीशन के अंदर या किन स्टिमुलाई के अगेंस्ट देखने को मिल सकता है, फूड के अगेंस्ट एलर्जी है, इंसेक्ट विनोम का अटैक हो गया, ड्रग्स हो गया, ठीक है, या एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया, इस केस के अंदर मास सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा देते हैं। मास सेल्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करते होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। न्यूट्रोफिल, वैसे नॉर्मली तो न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लेमेशन का करेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन बाद जो कहता ऐसा होता है कि कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर हमें न्यूट्रोफिल का नंबर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वजह क्या होती है, इसकी इंडक्शन इस वजह से होती है कि या तो माइक्रो परसिस्टेंट है या कोई ऐसे मीडिएटर प्रोड्यूस हो रही है एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस टी लिम्फोसाइट से, जो न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन को, न्यूट्रोफिल की प्रोलिफरेशन को, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया, एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है, उसका नाम है क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ बोन, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसके अंदर न्यूट्रोफिल का एक्सुडेट होता है वो कई महीनों तक रहता होता है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल भी आ जाते हैं। पहले एग्जाम्पल ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल क्या थी कि स्मोकिंग की वजह से लंग्स का क्रॉनिक डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक हो गया, तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया, यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पहले से लंग डैमेज हुए पड़े हैं और अचानक आपने सीवियर सडन स्टिमुलस अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक डैमेज के ऊपर एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, वह है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की फॉर्म होती है। इसके अंदर आपको मैक्रोफेजिस, टी लिम्फोसाइट और इसके साथ कैशियस नेक्रोसिस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजिस, टी लिम्फोसाइट और कैशियस नेक्रोसिस या कैजियस नेक्रोसिस, जो मर्जी आप पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बनी है, इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारे सेल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जो पहले आप तो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजिस, ये एपिथेलॉइड सेल होंगे और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होंगे। असल में जो एपिथेलॉइड सेल और जॉइंट सेल दोनों के दोनों मैक्रोफेजिस होते हैं, और इनको सराउंड करने वाला लिम्फोसाइट होता है और फिर उनको सराउंड करने वाला रेमो फाइब्रोब्लास्ट होता है। इस पूरे स्ट्रक्चरल यूनिट को बोलते हैं ग्रैनुलोमा। ठीक है, जो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है ये असल में सेलुलर अटेम्प्ट होती है। उस सेलुलर अटेम्प्ट का मेन पर्पस क्या है कि इस ऑफेंडिंग एजेंट को, जो हमारी बॉडी से निकल नहीं सकता, उसको क्या कर लो, ट्रैप कर लो, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव वॉल बन जाए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आगे ना फैले। इसके अंदर होता क्या है, इस अटेम्प्ट के अंदर टी लिम्फोसाइट की स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होती है। जब टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन होगी तो मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होगी, जब मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होगी तो नॉर्मल टिश्यू भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके
अंदर साइटोप्लाज्म काफ़ी अबेंडेंट हो जाता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स और ऑर्गेनेल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, साइटोप्लाज्म अबेंडेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा अबेंडेंट हो जाता है कि मैक्रोफेजेस के दरमियान जो सेलुलर बाउंड्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनको एपिथेलॉइड सेल बोलते हैं। क्यों एपिथेलॉइड सेल बोलते हैं? दो प्रॉपर्टी की वजह से, अबेंडेंट पिंक ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म की वजह से, और दूसरी बात इनकी सेल बाउंड्री को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनको एपिथेलॉइड सेल बोलते हैं, क्योंकि एपिथेलियम से रिजेंबल करते हैं। कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस होते हैं जो फ्यूज होने के बाद मल्टी न्यूक्लियेटेड जॉइंट सेल बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे। अब दो टाइप के ग्रैनुलोमा होते हैं, मेनली डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पैथोजेनेसिस। पहला है फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा, दूसरा होता है इम्यून ग्रैनुलोमा। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा, इसको इनिशिएट करवाने वाले जो स्टिमुलस होते हैं वो होते हैं इनर्ट फॉरेन बॉडी, जबकि इसको इनिशिएट करवाने वाले जो स्टिमुलस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ के पैरासिटिक इन्फेक्शन शिस्टोसोमियासिस, ठीक हो गया। इसके अंदर टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता इसके अंदर होता है। अब इसकी पहले पैथोजेनेसिस को पढ़ लेते हैं। इसमें होगा क्या, जो फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा होता है वह उन मटीरियल के अगेंस्ट बन जाता है जो फॉरेन बॉडी होती है, वो इतनी बड़ी होती है कि नॉर्मली उनको फेगोसाइटोस नहीं किया जा सकता, तो उनकी सराउंडिंग क्या बन जाएगा, ग्रैनुलोमा बन जाएगा। वो कौन कौन से फॉरेन बॉडी होती है, टार्क होता है इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स के अंदर, स्यूचर्स होते हैं, दूसरे फाइबर्स होते हैं, ठीक हो गया। नॉर्मली ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट नहीं करते, जो एपिथेलॉइड सेल होते हैं जॉइंट सेल होते हैं उनको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे और फॉरेन बॉडी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि फॉरेन बॉडी उस ग्रैनुलोमा के सेंटर में पड़ी हुई होती है, ठीक है, स्पेसिफिकली विद इन द जॉइंट सेल पड़ी हुई होती है, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से पोलराइज लाइट से देखें। दूसरा इम्यून ग्रैनुलोमा, ये वो ग्रैनुलोमा हो गए जिसमें टी सेल की एक्टिवेशन देखने को मिलती है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ऐसा स्टिमुलस होगा जिसको रेडिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फॉर एग्जांपल टीबी वाला होगा, मैं यहाँ पे 6 एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, जो TH1 सेल होती है साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली इंटरफेरॉन गामा, वो इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा और फिर मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो फिर टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल एक पैरासिटिक इन्फेक्शन लिखा हुआ शिस्टोसोमियासिस, इसमें ग्रैनुलोमा बनता है वो TH2 रिस्पॉन्स से बनता होता है, ठीक है, जबकि ऊपर TH1 वाला वो भी किसी कंडीशन की वजह से बन जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आपका एपिथेलॉइड सेल देखने को मिलते हैं, फिर जो एपिथेलॉइड सेल को सराउंड करने वाला कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं और कुछ ओल्डर ग्रैनुलोमा होते हैं उनको सराउंड करने वाला रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। मोस्टली आपको जॉइंट सेल भी देखने को मिलते हैं ग्रैनुलोमा के अंदर, जिनको लैंगरहैन जॉइंट सेल बोलते हैं, ठीक हो गया। किस तरह से बनते हैं, मल्टीपल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस मिलके लैंगरहैन जॉइंट सेल बनते हैं, ठीक है। और बाजू का ऐसा होता है कि अगर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है इसके एसोसिएटेड ग्रैनुलोमा बनाए, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट बनाए, तो आपको हाइपोक्सी और फ्री रेडिकल मीडिएटेड इंजरी भी देखने को मिलेगी। इस फ्री रेडिकल की वजह से या हाइपोक्सी इंजरी की वजह से सेंट्रल जोन में नेक्रोसिस होगी और सेंट्रल जोन की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल चीज लाइक होगी, तो इस ग्रैनुलर चीज अपीयरेंस को बोलते हैं कैजियस नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो आप एमॉर्फस स्ट्रक्चरलेस इओजिनोफिलिक ग्रैनुलर डेब्रिस देखने को मिलता है, कोई सेलुलर बाउंड्रीज नहीं होती, जबकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर सेल की आउटलाइन प्रिजर्व रहती है। जो क्रोन डिजीज के अंदर, सार्कोइडोसिस के अंदर और फॉरेन बॉडी रिएक्शन के अंदर ग्रैनुलोमा जो बनता है उसमें कोई सेंटर वाला नेक्रोटिक एरिया नहीं होता, कोई नॉन यानी वहाँ पे कोई केजियस नेक्रोसिस नहीं होती, ठीक हो गया, ओके। और ग्रैनुलोमा की हीलिंग कैसे होती है, फिब्रोसिस की वजह से होती है, ओके। अब कहते हैं कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती है जो उसको करवाती है, वो कौन कौन सी कंडीशन है, पहला ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, लेप्रोसी के अंदर, साइफिलस के अंदर, कैट स्क्रैच डिजीज के अंदर, सार्कोइडोसिस के अंदर, क्रोन डिजीज के अंदर। आपने एक बात नोट करनी है कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ओके। तो टीबी के अंदर क्या होता है, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, बाकी सबके अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, कैशियस नेक्रोसिस नहीं होती, ठीक हो गया। अब ट्यूबरक्लोसिस मेनली प्रोटोटाइप होता है ग्रैनुलोमेटस डिजीज का, ठीक हो गया। इस डिजीज के अंदर ग्रैनुलोमा बनता है उसको हम ट्यूबरकल बनते हैं। इसके अलावा ग्रैनुलोमा कुछ और डिजीज के अंदर भी बनता है, फॉर एग्जांपल क्रोन डिजीज है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है, सार्कोइडोसिस के अंदर भी बन जाता है, और इसके अलावा भी डिफरेंट डिजीज होती है जो आपने यहाँ से कवर कर लिया है। अब इसकी समरी को देख लेते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, प्रोलॉन्ग होस्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, टू परसिस्टेंट स्टिमुलाई। क्या कॉज होता है, कॉज माइक्रोब्स होते हैं जो कि एलिमिनेशन को रेजिस्ट करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, जिसको बोलते हैं ऑटोइम्यून, या एनवायरमेंटल एंटीजन के अगेंस्ट होगा तो उसको बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के केस में होगा तो एक्सोजीनस एंडोजीनस होते हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, को एग्जिस्टिंग, यानी तीन चीज़ें एक साथ पड़ी हुई होती है, इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी और रिपेयर। सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन के अंदर मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पॉइंट्स बता दिया, ठीक है। और इसको मीडिएट करने वाले साइटोकाइंस होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है बाई डायरेक्शनल
इंट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा सीवियर हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक फॉर्म होती है गैल्नोमेटस इन्फ्लेमेशन, जो टी सेल और मैक्रोफेज की एक्टिवेशन से इंड्यूस होती है, और ये ऐसे एजेंट की वजह से होती है जिनको हमारी बॉडी से इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। हम इन्फ्लेमेशन के लोकल और सिस्टमिक साइंस होते हैं। लोकल साइन के अंदर आपको बता चुके वार्म, हीटिंग वगैरह, स्वेलिंग वगैरह होती है, लेकिन इसके अंदर जो सिस्टमिक साइंस होती है वो एक है फीवर, दूसरा सिस्टमिक साइन है वो है एक्यूट फेज रिस्पॉन्स प्रोटीन ल्यूकोसाइटोसिस है, इसके अलावा दूसरी मैनिफेस्टेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेप्सिस वाला है। पहले हम इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं। फीवर, फीवर करवाने वाले साइटोकाइन ट्यूमर नेफ्रोसिस फैक्टर और फिल्ट्रेंटल ल्यूकिन होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, जबकि एक्यूट फेज रिस्पॉन्स वो किस वजह से आता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन के सिंथेसिस बढ़ जाती है साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 6 की वजह से, जबकि साइटोकाइन क्लोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर की वजह से ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, और सीवियर इन्फेक्शन के केस में सेप्टिक शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज हैं जो TNF और दूसरे साइटोकाइन की वजह से हो जाती है। ठीक हो गया, तो अब हम थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेते हैं। फीवर, फीवर के अंदर लिखा हुआ है कि फीवर क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वह 1 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब यहाँ पे कहते हैं कैसे सब्सटेंस जो फीवर को इंड्यूस करते हैं उनको पायरोजन बोलते हैं। इसके अंदर एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों आ जाती है। एक्सोजीनस में बैक्टीरियल प्रोडक्ट और एंडोजीनस के अंदर साइटोकाइंस आ जाती है, इंटरल्यूकिन 1, ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जबकि एक्सोजीनस के अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड आ जाते हैं। एक्सोजीनस पायरोजीन वो किस तरह से स्टिमुलेट करते हैं हमारे जो इम्यून सिस्टम से, इंटरल्यूकिन 1 और ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को स्टिमुलेट करवा देते हैं। इन शॉर्ट एक्सोजीनस एंडोजीनस की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। फिर ये एंडोजीनस करते क्या, साइटोसोल ऑक्सीजनस को अपरेगुलेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन होती है, PGE2 की सिंथेसिस होती है, फिर PGE2 थर्मोस्टेट को बढ़ा देगा, फिर हाइपोथैलेमस ऐसे मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा जो हीट को कंजर्व कर देगी, आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, हीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और इसको मिनिमाइज करने के लिए आप एनसेड वगैरह ले लेते हो। ठीक है, बाकी जो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने यहाँ से समरी वगैरह से पढ़नी है, बाकी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम टिश्यू का रिपेयर पढ़ेंगे, और हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।